हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी अच्छे से चल रही होगी और ट्रेडिंग भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं उन स्टॉक्स के बारे में जिसमें आज की डेट में मूवमेंट हो सकता है, आज के पॉइंट ऑफ व्यू से मूवमेंट आ सकता है इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप कुछ अपना सुझाव देना चाहते हैं हमें किस टाइप के स्टॉक्स पर वीडियो बनानी चाहिए, किस टाइप की आप वीडियो चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम बात कर लेते हैं। कल हमने स्टॉक्स बताए थे, उन स्टॉक्स में किस किस में मूवमेंट आया। तो जुबिलेंट फूड में सेल साइड में आपको ट्रेड मिला, हिंडालको में अपसाइड में ट्रेड मिला, लगभग 2.5% का मूवमेंट आया, नालको में लगभग 6% का मूवमेंट आया। उसी के साथ हिंदुस्तान कॉपर में लगभग 2.5% का मूवमेंट आया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में भी आपको काफी अच्छे टारगेट मिले। एक स्टॉक UVL, उस स्टॉक में मूवमेंट नहीं आ पाया। तो लगभग 4 स्टॉक्स में मूवमेंट आया था। तो आज हम बात कर लेते हैं किन किन स्टॉक्स में मूवमेंट आ सकता है। तो हमारा पहला स्टॉक्स है इंडिया सीमेंट। तो इंडिया सीमेंट के बारे में बात कर लें तो फ्रेंड्स, आपको इस स्टॉक में ट्रेड मिल सकता है बाइंग साइड में और सेल साइड में भी, ट्रेड दोनों साइड में आपको ट्रेड मिल सकता है इस स्टॉक में। यदि स्टॉक यहां से स्टॉक 258 का लेवल ब्रेक करके ऊपर चलता है तो आपको बाय कर लेना है। ये जो ट्रेंड लाइन डाली है इसको जैसे जैसे स्टॉक कवर करता जाएगा, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, 258 के आसपास अगर ब्रेक करता है तो आपको 267 के टारगेट के लिए बाइंग साइड में ट्रेड मिलेगा। यदि ये सपोर्ट तोड़ता है, 255 रुपए के आसपास का लेवल तोड़ता है, तो फिर स्टॉक आपको नीचे 246 तक आता हुआ दिख सकता है। ठीक है, दूसरे स्टॉक की बात करें तो दूसरा स्टॉक है कैनफिन होम। स्टॉक्स में आपको ट्रेड मिल सकता है बाइंग साइड में। ठीक है, बाइंग साइड में ट्रेड मिलेगा तो आपको बाय करना है 700, एक मिनट लेवल ड्रॉ हो रहे हैं, आपको ट्रेड मिलेगा 770 के ऊपर आपको बाय करना है और 791 का टारगेट अपना रखना है। पहला टारगेट इसमें 782 होगा, दूसरा 791। ठीक है, अगले स्टॉक की बात करें तो नेक्स्ट स्टॉक है आरती इंडस्ट्री में भी आपको ट्रेड मिल सकता है। तो इस स्टॉक में आपको बाइंग साइड में ही ट्रेड मिलने की संभावना है। तो यहां पे आपको बाय कर लेना है और आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है इस स्टॉक में। मेरे हिसाब से 496 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप बाय कर सकते हैं। टारगेट की बात करें तो टारगेट आपको 510 से लेकर के 515 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। ठीक है, 510 से लेकर 515 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। लेवल में ड्रॉ कर देता हूं तो यहां पे आपको 510 से 515 तक का टारगेट मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है टीवीएस मोटर में आपको ट्रेड मिलेगा। लेवल ऑलरेडी हमने ड्रॉ कर रखे हैं तो यहां पे आपको किस साइड ट्रेड मिल सकता है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस स्टॉक में भी आपको बाइंग साइड में ट्रेड मिल सकता है। मैं कहूंगा कि शायद दोनों साइड में ट्रेड आपको मिल जाए। यदि स्टॉक लेवल 1447 का ब्रेक करता है तो आपको सेल साइड में जाना है। मेरे हिसाब से आपको टारगेट मिलेगा 1420 तक का। यदि स्टॉक 1458 का लेवल ब्रेक करता है तो आप बाइंग साइड जा सकते हैं। तो पहला टारगेट तो आपका हो जाएगा 1470 और उसके ऊपर आप फ्रेंड्स 1437 लगभग 1485 तक के टारगेट के लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो स्टॉक पर नजर बना करके रख सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक की, टाटा कम्युनिकेशन। स्टॉक में आपको ट्रेड मिलेगा, किस साइड में ट्रेड मिलता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको बाइंग साइड में ट्रेड मिल सकता है और ब्रेकआउट भी स्टॉक में देखने को मिला है। ठीक है, आपको यहाँ पे बाय कर सकते हैं आप और स्टॉप लॉस लेकर चलेंगे।
1874 का एसएल हो सकता है, ठीक है। और टारगेट की अगर हम बात करें तो टारगेट हो सकता है 1930 रुपए का, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक है टाटा पावर। टाटा पावर के बारे में बात करें तो टाटा पावर में भी आपको बाइंग साइड में ट्रेड मिल सकता है, खरीदारी आप कर सकते हैं। टारगेट की भी बात करेंगे तो फ्रेंड्स, इस स्टॉक में आपको बाय करना है स्टॉक में लगभग मेरे हिसाब से 260 के ऊपर, ठीक है। 260 के ऊपर बाय करेंगे, 265 का टारगेट, इसमें आपको पहला टारगेट मिलेगा। और हो सकता है, संभावना है स्टॉक 70 तक भी चला जाए। फिलहाल 265 का टारगेट लेकर के स्टॉक को बाय करेंगे, दूसरा टारगेट 270 का रखेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, राम राम।